हमारे आदमी गायत्री के चमत्कार, इसकी हमने एक श्रृंखला चालू की है जिसमें ऐसे लोगों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं जिनके जीवन में गायत्री की साधना से कई प्रकार के चमत्कार देखने को मिले हैं। कुछ पुराने ग्रंथों के आधार पर, कुछ परम पूज्य गुरुदेव का वाङ्मय साहित्य है गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार, उनसे लिए हैं, और कुछ अभी वर्तमान में जो लोग गायत्री की साधना कर रहे हैं उनमें से किसको गायत्री फलित हुई और किस प्रकार उनका जीवन बदला और किस प्रकार से उनके जीवन में कई चमत्कार उन्हें देखने को मिले, इसी कड़ी में आज हम आपके लिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विनीत शर्मा के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कब गुरुदेव को अपना गुरु वरण किया, कब से उन्होंने गायत्री की साधना प्रारंभ की और उनके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार घटित हुए। निश्चित रूप से जब आप इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आप हतप्रभ रह जाएंगे कि इतने कम समय में किसी व्यक्ति को अपने जीवन में गायत्री की साधना से इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। श्री गुरु सत्ताई नमः। हमारे आदमी मित्रों विनीत शर्मा, जो कि फिल्म अभिनेता है जिनसे आप सभी अच्छी तरीके से परिचित होंगे, सन 2000 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, यानी कि 2000 में उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म थी मिशन कश्मीर, उसके बाद में काल, अवगत, अशोका, नो स्मोकिंग, मुंबई मेरी जान, सिंघम रिटर्न्स, दिलवाले, ये उनकी प्रमुख फिल्में हैं। इसके पश्चात उन्होंने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया है, चाचा विधायक है हमारे, हेलो मैनी, इसके अलावा वो क्रैक पेट्रोल के भी हिस्से रहे हैं। उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में इंस्पेक्टर की भूमिका अदा की है। हाल ही में बैट मराठी फिल्म आई थी रितेश देशमुख एवं जिलेनिया की, जिसमें उन्होंने रितेश देशमुख की प्रेमिका के पिता की भूमिका बहुत ही अच्छे तरीके से अदा की थी। इसके अलावा उन्होंने मराठी फिल्मों में भी अपना पदार्पण किया है, गुलाबी, टुएतों के साथ, पाइपलाइन में अधिक परियोजना के साथ उन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम करना प्रारंभ किया है। जाति से ब्राह्मण है, मुंबई में उनका जन्म हुआ है, उनका एक जुड़वा भाई है विभिन शर्मा, वो भी बॉलीवुड में अभिनेता है। कोरोना की जब पहली लहर आई हुई थी उस समय लोगों का बाहर निकलना बंद था, लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे समय तो सभी लोग प्रायः YouTube चैनल पर आने वाले अनेक वीडियो सुनते रहे हैं। तो एक उन्होंने हमारा वीडियो सुना और वो काफी प्रभावित हुए। शाम का समय था, उन्होंने हमें फोन लगाया और गायत्री साधना के बारे में कुछ जानकारी मांगी। हमने उन्हें जानकारी दी और उन्हें बताया कि गुरु वरण करने के पश्चात यदि आप गायत्री की साधना करेंगे तो वो जल्दी फलित होगी। क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण थे, पहले से ही गायत्री मंत्र का जाप करते थे लेकिन बगैर गुरु के कर रहे थे,
तब फिर उनको हमने ऑनलाइन गुरु दीक्षा दी। कुछ गुरु को पंडित श्री राम शर्मा को उनका गुरु वंदन कराया। उसके पश्चात में उन्होंने धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाया और त्रिकाल संध्या में वो मग्न हो गए। नित्य तीनों समय वो 21-21 माला का जाप करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। उनका आत्मबल मजबूत हुआ। दिमाग हमेशा अस्थिर रहता था, वो अस्थिरता दूर हुई। जिन लोगों के साथ संपर्क करने में बहुत असुविधा होती थी, ऐसे लोगों के फोन उनके पास में अकस्मात स्वयं आने लगे। फिल्म जगत के बड़े बड़े लोगों से उनका संपर्क होना प्रारंभ हुआ और रास्ताएं खुलती चली गई। फिर उसके पश्चात में करीब 2.5-3 वर्ष उन्होंने गायत्री की साधना की। इसके पश्चात में जो घटना घटित हुई वो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि प्रत्यक्ष उनके जीवन में अभी किस प्रकार की घटना घटी है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि मुंबई के खारघर में अभी अभी 47वां अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ है। एक दिन हमारे मन में ऐसी अचानक विचार आया और हमने उनके लिए गायत्री अश्वमेध यज्ञ की कुछ सूचना भेजी। यदि आप चाहें तो इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के आप हवन इत्यादि कर सकते हैं। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की और उन्होंने आश्वासन दिया कि एक दिन हम वहां पर हवन करने के लिए अवश्य जाएंगे। ऐसे तो मुंबई और पुणे में हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनका किसी का भी हमारे मन में विचार नहीं आया। इनको ही हमने बताया। फिर हमारे मन में विचार आया कि इतनी भीड़ में इनका यज्ञशाला तक पहुंचना और यज्ञ करना क्या संभव हो पाएगा, पता नहीं ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर अचानक हमें याद आया कि हमारा छोटा भाई जो कि शांति कुंज में काफी समय तक रहा है और बड़े बड़े आयोजनों में प्रायः VIP सुरक्षा में वो अपनी सेवाएं देता है, तो हमें याद आया कि निश्चित रूप से वो इस अश्वमेध यज्ञ में गया होगा। तो हमने उसके लिए फोन लगाया। उनका नाम है सुबोध बारोलिया। तो जब उन्होंने फोन लगाया तो उन्होंने बोला भैया हमारी ड्यूटी यहीं पर मंच के समीप लगी हुई है, परम आदरणीय शैल जी एवं चन्मय भाई साहब की सुरक्षा के लिए। तो हमने उनको बताया कि विनीत शर्मा आना चाहते हैं, यदि संभव हो तो उनके लिए यज्ञशाला में बिठवाने की व्यवस्था करवा देना। उनका नंबर हमने विनीत शर्मा को दे दिया और विनीत शर्मा का नंबर हमने अपने भाई सुबोध को दे दिया। दूसरे दिन 23 तारीख को सुबह प्रातः 7 बजे हमारे भाई ने उनको फोन किया कि क्या आप आ रहे हैं, तो बोले मैं हाँ तैयार हो गया हूं, मैं आ रहा हूं। वो लगभग 8 बजे के आसपास यज्ञ स्थल पहुंचे। उसके पहले ही हमारे भाई ने उनके लिए VIP यज्ञ कुंड में उनके बैठने की व्यवस्था बना दी थी। उनको तुरंत जो है वो यज्ञशाला ले गए और वहां पर VIP जो यज्ञशाला की अलग से रो बनी हुई थी उसमें पहले ही कुंड में उनको बिठाने की व्यवस्था बना दी थी, वहां पर उनको बिठा दिया। बगैर किसी असुविधा के वो वहां जाकर के बैठ गए। उन्होंने यज्ञ किया। उसके पश्चात हमारे भाई के मन में दिमाग आया कि इनका क्यों ना भाई साहब से, चन्मय भाई साहब से सम्मान करा दिया जाए। जैसे को यज्ञ करके निकले तो उन्होंने पहली सारी सेटिंग कर ली थी, फिर उनके लिए मंच पर बुलाया गया और फिर चन्मय भाई साहब के द्वारा उनका सम्मान किया गया। आप भी देखिए इस वीडियो को। आज इस मंच शर्मा जी बड़े ही मशहूर कलाकार हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। आपने देखा होगा कि अपने कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से बहुत ही बड़े स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से विनीत शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं मंच पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के माध्यम से।
उनका स्वागत हो रहा है, उनका अभिनंदन हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखिल विश्व गायत्री परिवार का प्यार, शांति कुंज हरिद्वार से आपको आमंत्रण और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का यह स्वावलंबन उद्योग में बना यह प्रसाद आपको समर्पित है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के इस आयोजन में आप पधारे और आपने यज्ञ में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः से बहुत बहुत आभार आपका। इस अवसर पर जो भी परिजन आप सभी से निवेदन है, कृपया व्यवस्थित होकर आराम से, जैसा कि हमारे स्वयंसेवक आपसे निवेदन करें, आप यहाँ पधारते जाएं। मनु भाई पटेल जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं, कृपया वे मंच पर पधारें। आदरणीय श्री मनु भाई पटेल जी मंच पर पधार रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के माध्यम से उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है। तो मित्रों, इस प्रकार से उनका सम्मान हुआ। अब ये सब घटना कैसे घटी? मंच पर जहां एक साथ बड़े बड़े नेता अभिनेता आ रहे थे, उनका एक साथ सम्मान हो रहा था, लेकिन ये अकेले थे और काफी देर तक इनकी भाई साहब से बातचीत होती रही। इन्होंने अपना पूरा अनुभव भी बताया कि हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी जब से हम गायत्री की साधना कर रहे हैं। तब फिर हमने जब विचार किया कि इन्होंने ढाई वर्षों में लगभग 24 लाख से ऊपर का जाप कर लिया है। 24 लाख का जाप यानी एक पुरुष चरण के बराबर इन्होंने साधना कर लिया। इस कारण से इनके जीवन में यह घटना घटी है, क्योंकि इनका एक पुरुष चरण पूरा हुआ, उसका दशांश सदन करना है। कैसे करेंगे? तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं मां गायत्री, उन्हें इसी प्रकार से खींचकर ले आती हैं। तो उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था निर्मित की और उन्हें यज्ञशाला तक खींच करके लाए। 1008 कुंडों में 11-11 व्यक्ति एक कुंड में बैठता था। आप अंदाजा लगाइए कि 1008 कुंडों में कितने व्यक्ति एक पाली में बैठते थे। और 24-24 आहुतियां गायत्री मंत्र के द्वारा दी जाती थी, तो कितने मंत्रों की आहुतियां दी गई होंगी, जिससे कि उनका जो 24 लाख के आसपास उन्होंने जाप किया उसका दशांश समान हो गया। इस प्रकार से गुरु सत्ता अपने साधकों को, अपने शिष्यों को प्रेरणा देकर के बुलाते हैं। जब उनके जीवन में इस प्रकार की घटना घटी तो वो भी अचंभित रह गए और हमें फोन किया कि भाई साहब, इतनी बड़ी घटना घट गई, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कैसे हम आए? तुरंत यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, हवन किया और उसके पश्चात में आदरणीय भाई साहब चिन्मय पांड्या जी से हमारी मुलाकात हुई। उनके द्वारा मंच पर हमें सम्मानित किया गया। उसके पश्चात वीआईपी कक्ष में ले जाया गया, जहां पर कि उन्हें प्रसाद खिलाया गया। इसके पश्चात वो हमारे भाई के साथ में गए पुस्तक मेला में और वहां पर उन्होंने गुरुदेव का साहित्य खरीदा, जिसमें हमारे भाई ने बताया कि आप गुरुदेव की हमारी वसीयत और विरासत ये पुस्तक आप जरूर पढ़ें और हर साधक को, जो गायत्री साधक है, उसे पूज्य गुरुदेव की एक किताब जरूर पढ़ना चाहिए, हमारी वसीयत और विरासत। जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा उसको गुरुदेव के जीवन के बारे में, उन्होंने किस प्रकार से साधना की, कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। तो जब उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब हमने बताया कि हम और हमारा छोटा भाई तो मात्र एक संयोग थे, आपने जो साधना की और ढाई वर्षों से जो आप तत्काल साध्या कर रहे हैं, जिसमें लगभग आपने 24 लाख से ऊपर गायत्री के मंत्रों का जाप कर चुके हैं, जो कि एक पुरुष चरण के बराबर हो जाता है, उसका फल पूज्य गुरुदेव एवं मां गायत्री ने आपको दिया। अन्यथा कितने लोगों को बुलाया जाता है लेकिन लोग वंचित रह जाते हैं। इतने बड़े अश्वमेध यज्ञ में जाना, हवन करना और फिर मंच से सम्मानित होना, निश्चित रूप से यह उनकी
साधना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आते जा रहे हैं और उनका मन निस्वार्थ भावना से और ज्यादा प्रगाढ़ गायत्री की साधना में प्रारंभ हो गया है। वो पहले से अधिक और गायत्री की साधना में उनका मन लगने लगा है। पहले से जब से हमने उन्हें दीक्षा दी थी, उन्होंने उसी समय से संकल्प ले लिया था और ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठते थे। कुछ समय तक तो उन्हें परेशानी नहीं, लेकिन उसके पश्चात में ऑटोमेटिक जो है उनकी 4 बजे नींद खुल जाती है और वो उसके पश्चात स्नान आदि करने के पश्चात में अपनी साधना में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन तो आते ही है और उसके जीवन में गायत्री माता अनेक प्रकार के चमत्कार इस प्रकार से लेकर के आती है कि देखने वाले लोग हतप्रभ रह जाते हैं। यही सब उनके साथ में हो रहा है। तो मित्रों, पुराने लोगों के बारे में हम बताएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आचार्य जी तो पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, पता नहीं उस समय लोग थे या नहीं थे, या इन लोगों के बारे में ये बात सही है नहीं सही है। इसलिए इस श्रृंखला में कुछ हम ऐसे लोगों के बारे में भी बताने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने अभी अभी गायत्री की साधना की और उनके जीवन में कई प्रकार के अमूलचूल परिवर्तन आए। उनके व्यक्तित्व में तो परिवर्तन आया, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, उनकी समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ी और उनके मन में एक संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। उन्हीं में से एक जो है ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विनीत शर्मा जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में शांति का अनुभव किया, आत्मबल उनका मजबूत हुआ और जीवन ईश्वर कहां ले जाएगा, गुरुदेव कहां ले जाएंगे, ये सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया। जब व्यक्ति अपनी चाहत को परमात्मा की चाहत बना लेता है कि परमात्मा जो चाहेगा वह हमें मंजूर है, तो फिर परमात्मा उसको वो सारी चीजें देते हुए चला जाता है जो वो चाहता है। तो उन्होंने भी अपनी चाहत को परमात्मा की चाहत में समाहित कर लिया है और फिर उनके जीवन में किसी प्रकार का अब कोई वाहमोह नहीं रहा है और बड़ी सहज उनका जीवन हो गया है। इतना सरल जीवन उनका हो गया है कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे व्यक्तित्व पर इतना परिवर्तन कैसे हो गया। तो मित्रों, गायत्री की साधना हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। बहुत सारे कथावाचक बहुत सारी भ्रांतियां फैला देते हैं जिससे लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। एक बहुत बड़े महात्मा का हम वीडियो सुन रहे थे, उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि कोरोना काल में हमने किसी का वीडियो टीवी पर सुना और उसी के माध्यम से हमने दीक्षा ले ली, तो क्या यह हमें फलित होगी। तो उन्होंने बोला ऐसे कोई दीक्षा नहीं होती है। उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कर्मकांड कोई विशेष महत्व तो देते हैं, भावनाओं को महत्व नहीं देते हैं, वो सिर्फ कर्मकांडों में ही उलझे रहते हैं और जहां बड़े बड़े कर्मकांड जब तक ना कराया जाए तब तक वो उस संस्कार को सही नहीं मानते हैं। लेकिन जहां भावना प्रधान होती है, तो एकलव्य का नाम आपने सुना होगा, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके मिट्टी की और अर्जुन से ज्यादा विद्या सीख ली थी और फिर परम पूज्य गुरुदेव आज के युग के विश्वामित्र हैं। गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं, वो चेतना है, क्रांति है। तो जो भी व्यक्ति उनका आवाहन करके किसी व्यक्ति को उनका गुरुवरण कराता है, चाहे वो ऑनलाइन कराए या समक्ष बैठ करके कराए या शांति कुंज हरिद्वार में जाकर के वो दीक्षा ले किसी के माध्यम से, उसे वो पूरे फल प्राप्त होते हैं जो गुरुदेव स्वयं यदि किसी को बिठा करके दीक्षा कराए। हमने भी गुरुदेव के इसी प्रकार से दीक्षा ली थी एक यज्ञ में और फिर जब गुरुदेव से मिले उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर हमारी 40 वर्ष की साधना हमने जो की, 9 लगभग हमने गायत्री के पुरुष चरण किए, 185 का आसपास हमने 1.25 लाख के अनुष्ठान किए, बहुत सारे हमने लघु अनुष्ठान किए, तो उनका फल
आज हमें दिखाई दे रहा है कि पूज्य गुरुदेव हमसे क्या कराना चाहते थे। 10 साल तक हम गायत्री शक्तिपीठ के चीफ ट्रस्टी रहे, बहुत सारे आयोजन हमारे माध्यम से हुए और उसके बाद हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायत्री साधना के लगभग 1500 से ऊपर वीडियो हम डाल चुके हैं और लोगों को उसकी ओर प्रेरित करते, और कितने सारे लोग आज गायत्री मंत्र के जाप में संलग्न हो गए हैं और गायत्री की साधना से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से गुरुदेव की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तभी ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। तो आप लोग भी बगैर किसी भ्रांति के गायत्री की साधना करें। निश्चित रूप से जिस तरीके से विनीत शर्मा जी को सिर्फ 2.5-3 वर्षों में गायत्री मंत्र इतनी तीव्र गति से फलित हो रहा है और उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं, आपके जीवन में निश्चित रूप से आएंगे। बस श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और निश्चित समय, निश्चित संख्या में यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।